दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल पे हिंदी में, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक LDR एंड एक रिले के मदद से एक लेजर कंट्रोल एलम सर्किट बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मेरी हिंदी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाजार, इसके साथ साथ आप एक LED भी ले सकते हैं। हमें चाहिए एक रिले, यहाँ पर मेरे पास है एक 12 वोल्ट का SPDT रिले है, आप किसी भी रेटिंग का रिले ले सकते हैं। मेरे पास है 12 वोल्ट का, आप 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, इवन आप 24 वोल्ट का ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक LDR, एक लेज़र और एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई। दोस्तों, अगर आप 12 वोल्ट रिले की जगह आप 9 वोल्ट और 6 वोल्ट का रिले यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको 6 वोल्ट और 9 वोल्ट के पावर सप्लाई यूज़ करना पड़ेंगे। तो पहले हम रिले को देख लेते हैं। जैसे कि एक SPDT रिले है, इसका मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो। तो सिंगल पोल का मतलब है इसका एक पोल है ये वाला, ये इसका कॉमन टर्मिनल है जिसे हम सिंगल पोल बोलते हैं। और डबल थ्रो का मतलब है ये, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं नॉर्मली क्लोज और इसको हम कहते हैं नॉर्मली ओपन। तो जब हम रिले को कनेक्शन नहीं देंगे, मतलब इसका मिशन में कॉमन टर्मिनल नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्टेड रहता है। जब हम रिले के अक्रॉस, मतलब कि एक कॉइल पे, इस कॉइल के अक्रॉस कोई भी सप्लाई देंगे तो ये कॉमन टर्मिनल इस नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको सिंगल पोल डबल थ्रो कहते हैं। इसका मतलब है सिंगल पोल है, ये डबल थ्रो, मतलब ये इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको जैसे कि जानते हैं कॉमन टर्मिनल है, क्लोज टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन टर्मिनल है, और एक टर्मिनल और एक टर्मिनल इसका कॉइल टर्मिनल है। हम अगर कॉइल टर्मिनल के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज देंगे, जैसे कि 12 वोल्ट का रिले है, अगर हम इसके अक्रॉस 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये कॉमन टर्मिनल इसके साथ डिसकनेक्ट हो जाएगा, इस नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ, और नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर्किट को पहले बना लेते हैं। तो ये एक LDR, जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहते हैं। इसको हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो इसके रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, जिसका मतलब करंट इसके थ्रू पास हो जाता है। लेकिन जब अंधेरा रहता है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण ये करंट को नहीं जाने देता, और इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करके इस सर्किट बनाएंगे। तो देखते हैं कि सर्किट को बना लेते पहले। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम इस LDR के इस पॉइंट को हम एक कॉइल पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका और एक टर्मिनल है, यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, और एक बार हम इस सर्किट को एक लेजर के साथ ट्रिगर करेंगे। ठीक है, मतलब लेजर का लाइट LDR के ऊपर हर वक्त पड़ा रहेगा। जब कोई इस LDR को और जब कोई इस लेजर को गार्ड करेगा तो सर्किट ऑटोमेटिक बाजर को ट्रिगर कर देंगे। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा रिले है। ठीक है, ये रिले का कॉइल टर्मिनल है, एक कॉमन टर्मिनल है, ये रिले का नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है, और ये नॉर्मली ओपन टर्मिनल है। ठीक है, तो नॉर्मली जब इसको अक्रॉस कोई भी सप्लाई नहीं रहता तो ये यहाँ इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ इसके अक्रॉस कोई भी कनेक्शन रहता है तो ये डिसकनेक्ट हो जाता है। डिसकनेक्ट हो जाने के बाद ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है नॉर्मली ओपन के साथ। तो इस केस में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा एक LDR है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो करंट इसके अक्रॉस चला जाता है। ठीक है, लेकिन
अगर ये अंधेरा रहता आप कहीं इसके एटमोस नहीं जा पाता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर लेजर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या क्या है, इसके एक्स करंट इसके एक्स जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे वाइट टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर लेजर लाइट पड़ रहा है तो इसका मतलब है करंट इसके एक्स जा रहा है, ठीक है। करंट इसके एक्स पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रिगर कंडीशन है। ट्रिगर कंडीशन के मतलब कॉमन टर्मिनल नॉर्मली पॉइंट से कनेक्टेड रहता है जब इसके ऊपर लेजर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जब कोई इसको गार्ड कर देता है तो इसके गार्ड कर देता है तो इसके यहाँ पर अंधेरा रह हो जाता है, जिसके मतलब लाइट इसके अंदर से नहीं जा पाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके कोई करंट इसमें से नहीं पास होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप हो जाने के बाद कॉमन टर्मिनल सीधा नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जब इंडिया के ऊपर लाइट अवेलेबल हो तब वायर टर्मिनल कनेक्ट होगा, जब लाइट नहीं होगा पॉइंट टर्मिनल एन सी पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक बजर यूज़ करेंगे। बजर को हम नॉर्मली क्लोज के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम रेडियर को गार्ड करेंगे हम उस कंडीशन में बजर को ऑन करना चाहते हैं। तो ये कंडीशन इस तरह से होगा, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये नॉर्मल कनेक्ट होगा तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये सॉर्टेड हो जाएगा, तो नेगेटिव को मिल जाएगा। बजर का नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म, तो बजर के नेगेटिव टर्म कनेक्ट के साथ नॉर्मल क्लोज कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव सप्लाई के साथ बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए सर्किट को पहले बना लेते हैं। इसका जो लॉन्ग टर्मिनल है इसको ग्लास बोलते हैं, और इसका जो शॉर्ट टर्मिनल है ग्राउंड, जो शॉर्ट टर्मिनल है इसको ग्राउंड बोलते हैं। चलिए ग्लास कनेक्ट करेंगे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इस नेगेटिव पॉइंट को हम कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कॉइल टर्मिनल के साथ एक कॉमन टर्मिनल भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, अब ये हमारा बजर है। बजर के ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पॉइंट के साथ यानी नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट होगा, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देता है दोस्तों, जैसे कि कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे, मेरे पास यहाँ पर एक बेस 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो 12 वोल्ट सप्लाई की पॉजिटिव पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव पॉइंट है और इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि नॉट कॉमन टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से। देखिए आपको इस वीडियो का अच्छा लगा होगा,
अगर आपको कुछ अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।